नमस्कार दोस्तों मैं दीपक पाटीदार और नॉलेज विलेज के पहले वीडियो में बात करेंगे विज्ञान से जुड़ी एक समस्या के बारे में समस्या क्या है देखिए विश्व में हर रोज 30 लाख से ज्यादा मास्क क्या हो रहे हैं कचरे में फेंके जा रहे हैं कचरे में फेंके जा रहे हैं का मतलब ये है कि इस्तेमाल में लिए जाते हैं और फिर उन्हें फेंक दिया जाता है तो ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं प्लास्टिक के कचरे का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमने पहले इस प्लेनेट पर बहुत कचरा इकट्ठा किया हुआ है पिछले एक डेढ़ साल में हमने इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है

नंबर और बड़ा हो जाता है जब आप इसमें फेस मास्क भी जोड़ लेते हैं यानी एक मिलियन यानी अरब फेस मास्क जो है वो हर महीने इस्तेमाल में लिए जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं फिर अगर आपको पर मिनट बताऊंगा तो आपको और डर लगेगा कि हर एक मिनट हम क्या कर रहे हैं तीस लाख से ज्यादा फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें कचरे में फेंक रहे हैं वो सब प्लास्टिक है देखिए वो सब प्लास्टिक है वो फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए अगर हर दिन की बात करें फेस शील्ड और मास्क दोनों को मिला लें तो ये हो जाता है 3.4 बिलियन यानी कि 3.4 अरब से ज्यादा फेस मास्क या शील्ड क्या है हर दिन कचरे में जा रहे हैं अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कपड़े का कचरा भी है ये सब है नहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक मैंने अकाउंट करके आपको बताया है ये सब किससे बने हैं प्लास्टिक के माइक्रोफाइबर से बने हैं यानी वो बहुत पतला सा धागे जैसा दिखने वाला क्या है प्लास्टिक ही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या कब बड़ी हो जाती है देखिए आपके घर का जो कचरा है वो आप कहा ले जाते हैं वो हम समेट कर बाहर फेंक देते हैं बाहर से क्या होता है नगर निगम उसे कलेक्ट करके नगर के बाहर फेंक देता है नगर के बाहर या तो वो वहीं पड़ा रहता है लैंड में किसी गड्ढे में पड़ा रहेगा या फिर जब बारिश होगी तो रनिंग वाटर के साथ में कहा जाएगा किसी रिवर में चला जाएगा रिवर से होते हुए कहां चला जाएगा समंदर में चला जाएगा यानी कि सी लेवल पे चला जाएगा तो यहां पर देखिए ये आपका सारा कचरा कहाँ आ जाता है फाइनली समंदर में आ जाता है हमें ऐसा लगता है कि हम उस कचरे से दूर हैं हमारा शहर साफ है पर वो साफ नहीं है वो कचरा आपने कहा पहुंचा दिया है समंदर में पहुंचा दिया है और वो किसको अफेक्ट करेगा आप वहां पर रहने वाले वन्यजीव प्राणियों को यानी या तो मरीन लाइफ इक्वेटिक लाइफ या जो भी छोटे मोटे बर्ड हैं एनिमल हैं इन सबको ये देखिए इस बर्ड के पैरों में क्या हुआ है मांस का आपका पूरा उलझ गया है अब ये उड़ भी नहीं सकती है और इसको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ये तो एक उदाहरण है बस ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स कई सारे एनिमल्स के साथ होती है अब समझते हैं कि बिनीश कौन है और ये इसके पहले क्या कर चुके हैं तो इन्हें आप डॉक्टर बिनीश कहिए क्यों क्योंकि ये पीएचडी स्कॉलर हैं इन्वायमेंट साइंस में इन्होंने पीएचडी की है और कब से इस तरह के काम कर रहे हैं देखिए इन्वायरमेंट साइंस में पीएचडी तो बाद में करता है इंसान है ना बट ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एट द एज ऑफ इलेवन यानी कि ग्यारह साल के थे तब से इस तरह की चीजें कर रहे हैं क्या कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट या किसी भी तरह का जो कूड़ा कचरा होता है

एक कठोर हो गए बहुत ज्यादा कठोर हो गए हार्ड मास बन गया है वो अब दब नहीं रहा है तो वहां से इनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इस तरह के प्लास्टिक वेस्ट या जो भी वेस्ट हो रहा है हमारे आसपास रबर प्लास्टिक उसको किसी हार्ड मास में कन्वर्ट कर दें यानी कठोर चीज बना लें और फिर उसका इस्तेमाल हम किसी भी तरह से या तो किसी बिल्डिंग ब्लॉक या कुछ भी बनाने में किया जा सकता है तो उसके पहले इन्होंने देखिए इस तरह के लैंप वगैरह बनाए हैं ये सब प्लास्टिक वेस्ट से बने हुए हैं ये जो आउटर कवरिंग आप लैंप की देख रहे हैं किससे बनी है प्लास्टिक या कागज या पॉलीथीन इन सब के वेस्ट से ही बनाई गई है इसका क्या फायदा मिला है इसका फायदा यह है कि आज इनके पास 150 यानी 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो प्लास्टिक से बनाए गए हैं और पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। उसके बाद में इन्हें पद्मश्री दिया गया है सबसे बड़ी बात है कि फोर्ब्स ने इन्हें थर्टी अंडर थर्टी एशिया की लिस्ट में यानी कि तीस उम्र से कम कि तीस की उम्र से कम के जो तीस व्यक्ति होते हैं एशिया के सबसे अच्छे तीस व्यक्तियों में इन्हें

उनको हमने किस में कन्वर्ट किया है उनको हमने कन्वर्ट किया है, ब्रिक्स में, यानी, में कर दिया है कैसे किया है? देखो इन्होंने कहा इसके पहले भी एक ब्रिक बना चुके हैं ब्रिक वन ये बना चुके हैं किसकी हेल्प से प्लास्टिक की हेल्प से ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिक वन है ना अब जो इन्होंने वो किसकी हेल्प से बनाई है पीपी किट और फेस मास्क से बनाई है यानी ये हमारे लिए उस समस्या का समाधान हो सकते हैं आगे चलते हैं अब ये करते कैसे हैं ये चीजें होती कैसे इन्हीं की भाषा में समझेंगे देखो इन्होंने कहा है कि हम क्या करते हैं सबसे पहले ये वेस्ट कलेक्ट करते हैं आपके आसपास डस्टबिन आप देखते होंगे तो ये वो नॉर्मल डस्टबिन नहीं है ये सिर्फ एक स्पेशल डस्टबिन वहां पर लगाते हैं जिसमें सिर्फ फेस मास्क या ग्लव्स या पीपी किट या यही सब फेंके जाते हैं अब जब ये डस्टबिन भर जाता है पूरा तो इसे बहत्तर घंटे के लिए क्या करते हैं छोड़ देते हैं यानी अनटच्ड छोड़ देते हैं क्यों क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमने पहले भी सुना है कि बहत्तर घंटे में कोरोना वायरस मर जाता है है ना तो बहत्तर घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं ताकि उसमें कोई कोविड के सिम्टम्स या वायरस ना बचे उसके बाद में क्या करते हैं ये मैं यहां बताता हूं आपको ये देखिए यहां पर आपका जो फेस मास्क है उसको इन्होंने गला दिया है पानी में और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जैसे आप कपड़ा फाड़ते हैं उसी तरह से इन्होंने इसको फाड़ दिया है फाड़ने के बाद में इन्होंने उसमें क्या मिक्स किया है ये आपका पेपर वेस्ट है कोई भी पेपर वेस्ट या किसी भी तरह का थोड़ा बहुत क्या होता है जैसे हमारा जो कागज होता है उसको इन्होंने पहले से क्या किया है छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसकी लुद्दी बना लिए इसको क्या कहते हैं इसको लुद्दी बोलते हैं इन दोनों को ये मिक्स करते हैं इस तरह से और इसमें क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा सीमेंट ऐड करते हैं सीमेंट को ये कहते हैं बाइंडर बाइंडर मतलब कि जो जोड़ के लिए जो मजबूती के लिए चाहिए आप सोचेंगे सीमेंट ऐड करती तो फिर तो सीमेंट की हो गई नहीं सिर्फ कितनी ऐड करते हैं तीन परसेंट यानी सौ ग्राम की अगर ब्रिक है उसका वजन है तो उसमें सिर्फ तीन ग्राम क्या ऐड किया गया है सीमेंट ऐड की गई है उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद में इन ब्लॉक्स में उसको क्या करते हैं सुखाने के लिए रख देते हैं इसमें रख देते हैं इससे उसका शेप बन जाता है और ये इस तरह से आपको फाइनली मिलती है कितने दो दिन यानी कि 48 घंटों के बाद में किसी भी तरह का ना पकाना है आपको ना इस पे पानी छींटना है कुछ भी नहीं ये नेचुरली 48 घंटों के बाद में क्या हो जाएगी इस तरह की एक पक्की ईंट आपको मिल जाएगी देखिए कितनी खूबसूरत है अब इस ईंट के फायदे क्या हैं ये देखते हैं देखो अब ये सिर्फ फेस मास्क या पीपीई किट नहीं कलेक्ट करते हैं इन्होंने कहा है कि हमने एक से ज्यादा तरह के कूड़े कचरे को क्या किया है 180 से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है मतलब 106 तरह का कूड़ा कचरा ये कलेक्ट करते हैं और उससे 180 से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं जैसे कि होम इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए कुछ कुछ चीजें बना दी पेवर ब्लॉक्स यानी बिल्डिंग बनाने के लिए जो ब्लॉक्स बनते हैं उनको ये बनाते हैं अब इनका आगे कहना है कि हम क्या कर रहे हैं फिर उन्होंने चेक किया इन्होंने कहा कि जो एसी ब्लॉक्स ये देसाई ने ही कहा है कि हमने तीन तरह की ब्लॉक्स को कंपेयर किया एक तो इनकी खुद की जो पहले बनी थी ब्रिक वन फिर उसके बाद में रेड ब्रिक यानी कि जो हमें ईटे होती है जो भट्टे में बनाई जाती हैं वो वाली ईंटे मिट्टी से बनाई जाने वाली और ए ए सी ब्लॉक यानी कि जो सीमेंट का ब्लॉक होता है उन तीनों को इन्होंने इनके ब्रिक 2.0 से कंपेयर किया तो इनका कहना है कि हमने ये पाया कि हमारी जो ब्रिक टू है जो फेस मास्क या पीपी किट से बनी है वो ज्यादा स्ट्रांग है ज्यादा ड्यूरेबल है और तीन गुना ज्यादा क्या है स्ट्रांग है विच मेक्स इट थ्री टाइम्स स्ट्रांगर देन द कन्वेंशनल ब्रिक उसके बाद में इसका साइज उससे ज्यादा बड़ा है और प्राइस उससे कम है आप कहेंगे क्या प्राइस है मैं बताता हूं आपको इन्होंने प्राइस बताया है टू पॉइंट एट मतलब एक ब्लॉक की कीमत दो रुपए अस्सी पैसा आप जानते होंगे तो पांच से पांच रुपए से भी ज्यादा कीमत हो चुकी है आज कौन सी ईंट की जो हमारी लाल ईंट होती है यानी कि भट्टे वाली ईंट होती है मगर ये सिर्फ दो रुपए आठ पैसे में आपको ये ईंट बेचने का दावा कर रहे हैं आगे देखते हैं इन्होंने और क्या क्या किया है ये आप देखेंगे आपको लगेगा लकड़ी है नहीं बेटा ये भी प्लास्टिक है ये क्या है ये भी प्लास्टिक है जो इन्होंने किसकी शेप में बनाया है बिल्कुल लकड़ी जैसा इन्होंने क्योंकि ट्री कटिंग को ये कम करना चाहते हैं कि पेड़ों को कम काटा जाए उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि जिस व्यक्ति को लकड़ी जैसा डिजाइन चाहिए उसके लिए प्लास्टिक को किस शेप में बनाया लकड़ी के शेप में बनाया और उसका कलर और उसकी जो आउटर है मतलब बाहर से वो दिखने में कैसा है पूरा एक लकड़ी के ब्लॉक जैसा दिख रहा है उसके बाद में ये देखिए यहां पर ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं यानी कि रोजगार दे रहे हैं बहुत गाँव में जाकर गुजरात के या महाराष्ट्र के गाँव में जाकर लोगों को वहां पर रोजगार भी देते हैं ये इनका पुराना यूनिट है उसके बाद में ये देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया है आ, कागज को रिसाइकिल करके ऐसी छोटी छोटी चीजें बनाते हैं जो क्या करते हैं फिर इनको बेचते हैं जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग यानी कि जो बड़े बड़े घर बनते हैं अच्छे लोग उसको इंटीरियर डिजाइनिंग में रखते हैं ये कुछ इस तरह का शेप बना दिया या उससे खिलौने बना दिए ये सब चीज़ें ये करते हैं और फाइनली जब आपको पता है सारी चीजें तो आप डिलीवर करते हैं तो ये स्कूल या कॉलेजेस में जाकर स्पीच भी देते हैं अब सबसे बड़ी बात आती कि इनकी है अचीवमेंट्स अचीवमेंट्स कि क्या क्योंकि ये सब हम सपना देखते हैं रोज हम सोते वक्त ये सपने देखते हैं कि हम भी कभी ऐसा कुछ करेंगे तीस साल से कम उम्र के सबसे सक्सेसफुल तीस लोगों में आए हैं एशिया में उसके बाद में वही बात जो सबको चाहिए इन पर एक किताब लिखी गई है द रिसाइकल मैन उसके बाद में ये आप देख रहे हैं ये टेट टॉक का एक स्क्रीन है टेट टॉक क्या है टेड एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छे अच्छे लोगों को हमारे उनके पास बुलाता है और वहां पर उन्हें स्पीच देने का मौका मिलता है यानी वो वहां पर एक भाषण देते हैं तो टेक टॉक में इनको बुलाया गया है और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी इनको पद्मश्री मिला है बहुत छोटी उम्र में सो so, यही था आज के वीडियो में आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी आपको कैसा लगता है वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू